गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सिंथेसिस साइट एंड टारगेट साइट के बेस पर हार्मोन्स का टाइप्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि टारगेट साइट और सिंथेसिस साइट के बीच के अंतर के आधार पर तीन टाइप के हार्मोन होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन, पैराक्राइन हार्मोन और ओटोक्राइन हार्मोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। इसके आधार पर हार्मोन चार टाइप के होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, एमिनो एसिड हार्मोन, फैटी एसिड हार्मोन और स्टीरोइड हार्मोन्स। फर्स्ट टाइप है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ एमिनो एसिड रेंजिंग फ्रॉम 3 to 100 एमिनो एसिड्स। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जो हैं एमिनो एसिड की लंबी चेन से मिलकर बने होते हैं और उस चेन के अंदर 3 से लेकर 100 तक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर हाइड्रोफिलिक एंड कैन ईजीली सर्कुलेट विदाउट बाइंडिंग टू अदर प्रोटीन्स। हाउएवर दे डू बाइंड टू कैरियर प्रोटीन टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज फ्रॉम प्रोटीएज एंजाइम इन द प्लाज्मा। पेप्टाइड हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और वो बिना किसी के बाइंडिंग के इजीली ब्लड में सर्कुलेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कैरियर प्रोटीन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटीएजेज एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का क्लीवेज करते हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। दे जनरली हैव शॉर्ट लाइफ लास्टिंग फॉर फ्यू मिनट्स। पेप्टाइड हार्मोन्स का लाइफ पीरियड कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों का होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। दे हैव देयर रिसेप्टर्स ऑन सरफेस ऑफ द टारगेट सेल ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक नेचर। होता क्या है कि जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट साइट के ऊपर जो टारगेट सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे जाकर हार्मोन्स बाइंड करते हैं और उसके बाद वो सेकेंडरी मैसेंजर जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो मैसेज अल्टीमेटली न्यूक्लियस तक पहुँचता है और उसके बाद जीन जो है एक्टिव होती है। दे जनरली प्रोड्यूस एज ए लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रीकर्सर क्लीव्ड टू फ्रॉम एक्टिव हार्मोन विच आर स्टोर इन सिक्रेटरी वेसिकल एंड रिलीज एंड एज एंड व्हेन द सिग्नल इज रिसीव। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन के अंदर जितने एमिनो एसिड होते हैं वो उसे लंबी पॉलीपेप्टाइड के रूप में बनते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो लंबी पॉलीपेप्टाइड में से कुछ जो एमिनो एसिड की या कुछ पॉलीपेप्टाइड है वो क्लीव कर दी जाती है, उसके बाद ही वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। जैसे हमें पता है इंसुलिन के अंदर 51 एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन की पेप्टाइड चेन बनती है उस दौरान उसमें 86 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान क्या कर दी जाती है, क्लीव कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन हैव 51 एमिनो एसिड। इंसुलिन सिंथेसाइज विद इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स फ्रॉम लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रीकर्सर्स प्री प्रो इंसुलिन। जो फर्स्ट में इंसुलिन की प्रीकर्सर पेप्टाइड चेन बनती है उसको प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं और उसके अंदर 86 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली द पैराथायराइड हार्मोन PTH हार्मोन 84 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज फ्रॉम लार्ज पॉलीपेप्टाइड
प्री प्रो पी टी एच हैविंग 150 एमिनो एसिड. द मेजोरिटी ऑफ हॉर्मोन्स फॉल विद इन दिस क्लास ऑफ हॉर्मोन्स. ज़्यादातर जो हॉर्मोन्स हैं वो इस क्लास पेप्टाइड हॉर्मोन्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि हम देखते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, एंजियोटॉन्सिन, ADH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स इसके अन्य एग्जाम्पल्स हैं. हमने यहाँ एक डायग्राम देखा है जिसमें हम देख रहे हैं इंसुलिन का बायोसिंथेसिस. इंसुलिन चूंकि एक पेप्टाइड हार्मोन होती है हार्मोन होता है इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस हमेशा राइबोसोम पर होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले mRNA न्यूक्लियस से राइबोसोम पर आकर बाइंड होता है और वहाँ पर पेप्टाइड बनती हैं. उस प्रोसेस को प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. तो सबसे पहले यहाँ प्री प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है. वो प्री प्रो इंसुलिन जो होती है उसके अंदर कुछ सिग्नलिंग पार्ट होता है और कुछ एक्स्ट्रा प्रो इंसुलिन पार्ट होता है. तो उसको उसी फॉर्म में कहाँ भेज दिया जाता है सिंथेसिस के बाद ER की ल्यूमन में. ER ल्यूमन में क्या होता है कि जो सिग्नलिंग पेप्टाइड है जैसे यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है वो सिग्नलिंग पेप्टाइड क्लीव कर दी जाती है और उसके बाद प्रो हार्मोन के रूप में उसको फोल्ड करके वेसिकल्स में पैक किया जाता है. इन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं क्योंकि ये प्रो इंसुलिन का ट्रांसपोर्ट ER ल्यूमन से गोल्गी एपरेटस तक करते हैं. क्योंकि आगे का जो मॉडिफिकेशन इस पेप्टाइड में चेन में होना है वो गोल्गी एपरेटस में होता है इसलिए इसको ER से कहाँ भेज दिया जाता है गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट वेसिकल के माध्यम से. उसके बाद गोल्गी एपरेटस में क्या होता है कि जो प्रो पेप्टाइड होती है एक्स्ट्रा पेप्टाइड होती है इंसुलिन में उसको कट किया जाता है और हार्मोन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. एक्टिव फॉर्म और पॉलीपेप्टाइड को कहाँ क्या किया जाता है कुछ और दूसरी वेसिकल्स में पैक किया जाता है. इन वेसिकल्स को हम कहेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स क्योंकि इन वेसिकल में एक्टिव हार्मोन होता है और ये सीधे सिग्नल प्राप्त होने पर बाहर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है. इस तरह से इंसुलिन का बायोसिंथेसिस होता. नेक्स्ट है सेकेंड टाइप है एमिनो एसिड हार्मोन. ये एमिनो एसिड हार्मोन एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन की या डीकार्बोक्सीलेटिंग की के कारण बनते हैं इसलिए इनको एमिनो एसिड हार्मोन कहते हैं. इनका प्रीकर्सर्स एमिनो एसिड होते हैं. एमिनो एसिड हार्मोन आर दोज आर सिंथेसाइज बाय डीकार्बोक्सीलेटिंग एंड मॉडिफाइंग सर्टेन एमिनो एसिड्स. एग्जाम्पल द कैटेकोलेमीन्स एपिनेफ्रीन नोरएपिनेफ्रीन एंड डोपेमाइन आर सिंथेसाइज बाई मॉडिफाइंग द एमिनो एसिड टायरोसिन वेयर एज हिस्टामिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द एमिनो एसिड हिस्टिडीन्स एंड सीरेटोनिन. एपिनेफ्रीन और नोरएपिनेफ्रीन जो हार्मोन होते हैं वो टायरोसिन एमिनो एसिड से बनते के मॉडिफिकेशन से बनते हैं. ऐसे हिस्टामिन जो है वो हिस्टिडीन और सीरेटोनिन एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं एज वेल एज मिलेटोनिन और ये मिलेटोनिन से भी बनते हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन. दे कुड बी आइदर हाइड्रोफिलिक लाइक पेप्टाइड हार्मोन्स. ये जो एमिनो एसिड हार्मोन्स होते हैं वो दोनों नेचर के होते हैं हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी. जैसे दे कुड बी आइदर हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल लाइक पेप्टाइड हार्मोन और हाइड्रोफोबिक हार्मोन थायरोक्सिन लाइक स्टेरॉयड हार्मोन. दे बाइंड टू कैरियर प्रोटीन टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग फिल्टर्ड आउट द किडनी. किडनी से फिल्टर्ड आउट होने के लिए ये कैरियर प्रोटीन से बाइंड होते हैं. द मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड प्रीकर्सर आर टायरोसिन और ट्रिप्टोफिन. ये दो जो एमिनो एसिड हैं वो मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड प्रीकर्सर्स होते हैं जिससे एमिनो एसिड हार्मोन बनते हैं.
their chemical nature generally and in. यहाँ पे हम एक टेबल देख रहे हैं जिसमें नेम ऑफ हार्मोन और पेरेंट एमिनो एसिड है, यानी कौन सा हार्मोन कौन से एमिनो एसिड से ड्राइव होता है, जैसे सीरेटोनिन है ट्रिप्टोफेन से, ऐसे मेलेटोनिन ट्रिप्टोफेन से, हिस्टामिन ग्लूटामिक एसिड से, थायरोक्सिन टायरोसिन से और एपिनेफ्रिन टायरोसिन से. थर्ड टाइप है फैटी एसिड हार्मोन. फैटी एसिड हार्मोन आर ड्राइव फ्रॉम पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी फैटी एसिड हार्मोन जो होते हैं पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं. फॉर एग्जांपल इयोकिसिनोइड, इयोकिस मीन 20 फॉर्म्स, ऑइड्स मतलब रिसेम्बलिंग. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 20 कार्बन फैटी एसिड्स. एग्जाम्पल एरेकिडोनिक एसिड, मोस्ट कॉमन प्रीकर्सर ऑफ इकोसेनोइड. दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव लिपिड एंड पैराक्राइन इन नेचर विद वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ फ्यू सेकेंड्स. दे आर रिलीज फ्रॉम नियरली ऑल सेल मेम्ब्रेन, इट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल हार्मोन ग्रुप प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बेक्सिन्स और ल्यूकोट्रीन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट लिपिड कंपाउंड्स अकाउंटिंग फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्ट्यूशन, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ. यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो मल्टी फंक्शनल हार्मोन होता है, ऐसे ही ETC. Prostacyclines and thrombogenes are both derivative of prostaglandins. Prostacyclines act as a local vasodilators, yani, and prevent blood platelets aggregation. Contrarily, thrombogenes are vasoconstrictor and promote platelet aggregation. Leukotrienes on the other hand are signaling chemicals that are that mediate in inflammation and some allergic reactions. Four type hai steroid hormones. Steroid hormone are derived from cholesterol and structurally all similar. Once secreted, they bind to plasma protein as they cannot easily diffuse in the blood due to their hydrophobic nature. They have longer half-life than that the peptide or amino acids. Steroid hormone जो है cholesterol से drive होते हैं और इनका life जो half-life है वो भी लंबी होती है. अदर इसके अगेंस्ट पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स की हार्मोन्स का जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होता है. दे कैन ईजिली मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और लिपोफिलिक होते हैं, इसलिए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में से आसानी से क्रॉस करके उसको साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं. लिपोफिलिक हार्मोन्स, द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट केमिकल ग्रुप ऑफ कोर फोर रिंग स्ट्रक्चर अलाउ फॉर अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस. द मेजर क्लासेस ऑफ स्टीरोइड हार्मोन्स आर ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन, एल्डोस्टीरोन, प्रोजेस्टोन्स, प्रोजेस्ट्रॉन, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ऐसे ही एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन में एस्ट्रोन और एस्ट्रेडियोल्स, एस्ट्रियोल्स, इस हार्मोन के एग्जाम, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं.